हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ हेल्दी ड्राई फ्रूट्स मिल्क शेक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो व्रत में एनर्जी बूस्टर का भी काम करती है। उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 10 से 12 बादाम ले लिए हैं, 10 से 12 ही मैंने काजू लिए हैं। थोड़े से अखरोट ले लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के कोई भी ले सकते हैं। 10 से 12 ही मैंने किशमिश ले ली है। इसमें मैं 1 कप दूध ऐड कर रही हूँ। इसमें ठंडा दूध नहीं ऐड करेंगे। ये दूध बिल्कुल नॉर्मल था, रूम टेम्परेचर पे, वही ऐड किया है मैंने। अब ड्राई फ्रूट्स को हम दूध में भिगोकर रख देंगे 20 मिनट के लिए, ताकि ये ड्राई फ्रूट्स थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। अब ड्राई फ्रूट्स को रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं, इन्हें हम ब्लेंडर जार में डाल देंगे। इसमें 2 कप ठंडा दूध ऐड कर देंगे। इसमें मैं 3 चम्मच शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच इसमें केसर वाला दूध ऐड कर देंगे। थोड़े से इसमें आइस क्यूब्स ऐड कर देंगे। अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। मिल्क शेक रेडी है, इन्हें हम ग्लास में सर्व कर देंगे। इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अब ड्राई फ्रूट मिल्क शेक सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरे नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।